विमान से उड़ने पर बैन लगने के बाद ट्रेन से सफर के लिए मजबूर हुए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर। रेलवे से सफर के दौरान बोले रविंद्र गायकवाड़, कहा वो नहीं उद्धव ठाकरे देंगे जवाब। उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे, मैं कुछ नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? सांसद ने मीडिया कर्मियों से की बसलूकी, पुलिस वालों से कहा निकालो इन्हें। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर कसेगा कानूनी शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर क्राइम ब्रांच को सौंपा केस। सीएम बनने के बाद आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, स्वागत की जोरदार तैयारियां। आज शाम करीब 7 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, रविवार को बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे से पहले गोरखपुर प्रशासन चुस्त दुरुस्त, शहर भर में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। लखनऊ में गैंगरेप पीड़िता से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जाकर की मुलाकात। सीएम के दौरे के बाद हरकत में आया अस्पताल प्रशासन, जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट। आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह, एमसीडी चुनाव के लिए देंगे टिप्स। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश में इलाज के बाद दिल्ली लौटी, राहुल भी मां के साथ लौटे। कालेधन के खिलाफ मोदी सरकार का दूसरा वार, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई की होगी सुविधा, राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का ऐलान। जेएनयू में फिर भड़का लेफ्ट के छात्रों का गुस्सा, मेन गेट पर लापता छात्र नजीब के साथ साथ खुदकुशी करने वाले मुथुकृष्णन और रोहित के पक्ष में लिखे नारे, सुरक्षा गार्ड से भी झड़प। आज सुबह तक खत्म हो सकते हैं महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बनी बात। राज्य सरकार ने डॉक्टरों को दिया सुरक्षा का भरोसा, कहा अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे एक गार्ड। महाराष्ट्र में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, हड़ताल के दौरान 377 लोगों की मौत। दिल्ली के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने की सुरक्षा की मांग, सफदरजंग अस्पताल में निकाला मार्च। दिल्ली के अस्पतालों में ठप रही ओपीडी सेवाएं, सुरक्षा की मांग को लेकर सामूहिक छुट्टी पर रहे डॉक्टर। प्रतापगढ़ में एंटी रोमियो दल ने एक दर्जन लड़कों को पकड़ा, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को भी चेताया। यूपी की तर्ज पर रांची में भी एंटी रोमियो स्पोर्ट का गठन, शहर में घूमकर की पूछताछ। गाजियाबाद में एंटी रोमियो अभियान के तहत पकड़े गए प्रेमी जोड़े को पुलिसकर्मियों ने दी गालियां, वीडियो वायरल हुआ तो तीनों सस्पेंड। यूपी के फतेहपुर में एंटी चीयर्स अभियान, छापे मार कर धरे गए लोग। लखीमपुर खीरी में भी एंटी चीयर्स टीम ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, चाकू के साथ गिरफ्तार युवक। मुजफ्फरनगर में लाइसेंस रखने वाले मीट व्यापारियों ने भी दुकान बंद कर किया विरोध प्रदर्शन, कहा गोक्षी के हैं विरोध में लेकिन दुकानों को तो चलने दें। मऊ में मुर्गे और बकरे का मांस बेचने वालों को भी प्रशासन का नोटिस, दुकानदारों ने कैमरे पर रोया रोजी रोटी का दुखड़ा। झांसी में प्रशासन ने मारे मीट की दुकानों पर छापे, सवाल पूछने पर भड़क उठे तहसीलदार। यूपी के बाराबंकी में अवैध कब्जे हटाने के लिए अतिक्रमण अभियान जारी, लोगों में हड़कंप। यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे को अतिक्रमण मुक्त करने का किया दावा, कहा चौड़ी करेंगे सड़क। हावड़ा में 12 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, कराटे प्रशिक्षक करता रहा साल भर दुष्कर्म, अब हुआ गिरफ्तार। बीकानेर में 8 शिक्षकों का शर्मनाक कांड, 13 साल की स्कूली छात्रा से करते रहे 1.5 साल तक रेप। हल्द्वानी में एलआईयू के दारोगा की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, झाड़ियों में मिला शव। रायबरेली में स्टेशन पर घायल हालत में पुलिस को मिली युवती, तेजाब पिलाने का आरोप। बानी में दलित लड़की से गैंगरेप पर वीडियो बनाने की घटना आई सामने, पिता की शिकायत पर दर्ज मामला। इलाहाबाद में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने साफ किया लाखों का माल, सीसीटीवी में कैद भी चोरी। राजस्थान के करौली में एक शख्स के बैग को चीर कर चोर ले उड़ा 1,12,000 रुपए, पुलिस ने निकलवाई सीसीटीवी फुटेज। जोधपुर के पिपाड़ में बाइक सवार युवकों ने घर के बाहर बैठे एक लड़की को मारा पीटा, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। गोपालगंज में दहेज में स्कॉर्पियो ना देने से नाराज ससुराल वालों ने नवविवाहिता को जान से मारा, लड़की पक्ष ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। उन्नाव में हथियारबंद बदमाशों ने बोला बूचड़ खाने पर धावा, मारपीट करके ठेकेदार को कर लिया अगवा। रामपुर में मिला लड़की का जला शव, पिता ने ही ली थी बेटी की जान। आजमगढ़ में व्यापारी का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों को हत्या की आशंका तो पुलिस ने दर्ज किया खुदकुशी का मामला।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने नाकेबंदी कर बरामद की एक कार से 35 लाख रुपए की रकम, दो लोग हिरासत में। कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किए दो नक्सली, बरामद हुए राइफल, कारतूस और डेटोनेटर्स। जोधपुर जेल पर फायरिंग मामले में 150 जवानों ने मारा छापा, जांच में जेल से बरामद हुए 14 मोबाइल और 24 सिम। पंजाब के गुरदासपुर केंद्रीय जेल में कैदियों का हंगामा, रात भर जारी, रुक रुक कर होती रही फायरिंग, आंसू गैस का भी इस्तेमाल। जिले में गैंगस्टर आसिफ को पुलिस ने किया एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, 50,000 का इनामी था, 17 मामलों में वांटेड। पटना के शास्त्री नगर में बदमाशों ने मारी कारोबारी को 5 गोलियां, मौके पर ही मौत, हमलावर फरार। बैतूल में शराबी टीचर ने 5वीं क्लास के बच्चे को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने केस दर्ज। मुरादाबाद में एक छात्र को परेशान कर रहे लड़के को पुलिस ने पहुंचाया जेल, छात्रा ने यूपी सीएम को किया था ट्वीट। दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, महिला समेत 3 आरोपियों से 30 अत्याधुनिक हथियार जब्त। मध्य प्रदेश से दिल्ली लाए जा रहे हथियार ट्रक की बैटरी में छिपाया गया था असलहा। बिहार के गया में 6 जिंदा बम मिलने से हड़कंप, एसएसबी के बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। हरियाणा के जींद में 22 साल की युवक की बेरहमी से हत्या, भाई की नजरों के सामने वारदात को दिया अंजाम। पटना में सिरपुरवा गिरोह का सतम, एक घर में घुसकर 6 लोगों के फोड़ डाले सिर। दिल्ली के हौस घास में पुलिस ने पकड़ा 600 करोड़ का चीटर, 3 करोड़ की विदेशी गाड़ी भी बरामद। यूपी के एटा में 6 साल की मासूम से 3 रिश्तेदारों ने किया बलात्कार, निर्भया जैसी दर्द की। बिहार के भोजपुर में एक सुनार की लूट के दौरान हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। पंजाब के तरन तारण में करीब 1.25 लाख के नकली नोट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, घर में लगी प्रिंटर में छापता था 2000 के नोट। भरतपुर में कोर्ट ने सुनाया कलेक्टर की कार की कुर्की का आदेश, किसानों की फसल खराब होने पर नहीं दिया था मुआवजा। मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष अजय सिंह किया अच्छी पहल, कहा लाल बत्ती का नहीं करूंगा इस्तेमाल। भरूच के अंकलेश्वर में दिखा 15 किलो वजनी 8 फुट का पाइथन, 2 घंटे की मेहनत के बाद आएगा काबू। वर्धमान में शराबी ने मचाया मेडिकल कॉलेज में हंगामा, मशक्कत के बाद आया काबू में। गाजियाबाद के लोनी में एक गौशाला में 11 गायों के संदिग्ध मौत, जहर देने का शक। प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रेलवे ने किया भारत दर्शन विशेष ट्रेन का ऐलान, 28 मार्च को इंदौर से होगी रवाना। सरकारी गेस्ट हाउस में नेताओं को भारी पड़ी मुफ्तखोरी, राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद महेश जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को सरकारी गेस्ट हाउस के इस्तेमाल से रोका। पंजाब विधानसभा में पहुंचे मंत्री, विधायकों अफसरों की गाड़ी से गायब दिखी लाल बत्तियां, सीएम कैप्टन अमरिंदर के आदेश का असर। पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज, आरजेडी नेता ने मामला कराया दर्ज। पटना में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रपति, कहा महान विभूतियों को दिया बिहार ने चरण। सीकर में यूथ कांग्रेस ने की किसानों के कर्ज माफी की मांग, कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन रोकने के लिए पानी की बौछार। वाराणसी में महिलाओं ने शराब ठेकों के खिलाफ खोला मोर्चा, लाठी डंडों से की तोड़फोड़। बिहार के सीतामढ़ी में गिरा पुराना पुल, 5 मजदूर दबे, 3 की हालत नाजुक। बांदा में लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, छेड़खानी से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस का पाठ। 1 अप्रैल से गुरुग्राम का एमजी रोड नो पार्किंग जोन, मॉल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश। दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, वित्त मंत्री जेटली हुए शामिल। पटना के दीघा में मंच टूटने से लालू प्रसाद यादव को आई चोट, IGIMS में डॉक्टर्स ने की जांच। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लॉरी के नीचे आकर 17 साल के छात्र की मौत, लोगों ने गुस्से में 10 वाहनों को फूंका। यूपी के कौशाम्बी में 20 सड़क पर जली स्कॉर्पियो, 2 लोगों ने कूद कर बचाई जान, आग लगने की वजह का पता नहीं। मेघालय के शिलोंग में टैंकर ने पकड़ी आग, पेट्रोल पंप में पार्क था टैंकर। दिल्ली में रोहिणी की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां बुझाने में जुटी। एम्स को मिला नया डायरेक्टर, मशहूर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया संभालेंगे जिम्मेदारी। उत्तर भारत में शुरू हुआ गर्मी का कोहरा, मध्य प्रदेश के खरगोन में 40 पर पहुंचा पारा।
दिल्ली में इंडिया टुडे वुमेन समिट एंड अवार्ड्स का आयोजन। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से लगातार सातवें साल महिलाओं का सम्मान। फातिमा शेख और जायरा वसीम मनी इंडिया टुडे वुमेन एक्टर ऑफ द ईयर हेमा मालिनी ने दिया अवार्ड। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान। ट्विंकल खन्ना बनी इंडिया टुडे वुमेन राइटर ऑफ द ईयर। आज से धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक टेस्ट, एक एक से बराबर है सीरीज। विराट कोहली की चोट को लेकर चिंता, कप्तान ने कहा 100% फिट होने पर ही खेलूंगा। धर्मशाला टेस्ट के लिए कंगारू ने भी कसी कमर, स्टीव स्मिथ ने ली चुटकी, कहा कप्तान के रूप में रहाने के पास है ठंडा दिमाग। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी, मैच से पहले लिया आशीर्वाद। शशांक मनोहर ने आईसीसी अध्यक्ष पद से हटने का फैसला टाला, आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस में नए अध्यक्ष के चयन तक कुर्सी पर कायम।